अरे दिख नहीं रहा तुम्हें, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। झोला छाप डॉक्टर। हम झोला छाप डॉक्टर तुम्हें दिख रहे हैं? ऐसा मत कहो, ठीक है? हम झोला छाप डॉक्टर नहीं है, अच्छे अच्छे को हम ठीक कर देते हैं। तुम्हें कुछ आता नहीं है? तुम्हें भी कुछ नहीं आता है? आता है। आता है? हाँ। इधर आओ, अभी तुम्हें पता नहीं, बैठो। तुम लोग रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ये बहुत बोल रहे हैं। डॉक्टर से पंगा और तुम हमें झोला छाप बोल रहे हो? हमें कुछ आता नहीं है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें क्या आता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिनिवेदन कब दिया था? 1953 में। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? महाराष्ट्र। खाना बनाने वाली सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अच्छा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अच्छा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। किस सितारे और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अरे यार, तुम्हें लगता है बीपी तुम्हारा बढ़ गया क्या? हमें देखना पड़ेगा। तुम्हारा बीपी तो यार ठीक है, लेकिन तब कैसे बता दे रहे हो इतना फटाफट क्वेश्चन? अभी नहीं विश्वास हो रहा, अभी तो और क्वेश्चन है। रुको, ये बताओ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय कौन था? मिहिर सैन। एक अविशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदे के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। अरे डॉक्टर साहब, हम लोग से भी पूछिए, इन्हीं को थोड़ी ना आता है। तुम लोग को भी आता है? हाँ। इसका मतलब तुम लोग बीमार नहीं हो? नहीं। हाँ? नहीं। बीमार नहीं हो? नहीं। अच्छा, अभी देखते हैं ना, अगर तुम लोग बीमार हो गए तो आप क्वेश्चन का जवाब नहीं बता पाओगे। देखिए, इनका सब कुछ सही है, ये फिट लड़का है, ना इनको बुखार है ना कुछ है ना? हाँ। अच्छा, तुम लोग से पूछते हैं, पहले तुम है? बताओ, तुम दोनों मिल के बताना, ठीक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, बताओ? हमें लगता है इन लोग का तबीयत नहीं ठीक है। और क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, पूछ। ये बताओ, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुल निकलने लगते हैं, क्यों? छार। टार्च से किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति होती है? संसेद प्रकाश पुंज। तुम्हारा भी तबीयत हमें लग रहा है सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। अभी तो दो ही बताएं, मैं तो पूरा प्रश्न का जवाब दे दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, इनका तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तबीयत गड़बड़ है नहीं गड़बड़ है इनका। ये बताओ, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? छोटा हो जाती है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा हो जाता है। इनका मैं शुगर टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये तभी नाम नहीं बता पा रहे। अगर इनको शुगर नहीं होता ना तो ये अब लग बता देती, अभी पता चल जाएगा। लो, इसको मुंह खोलो, कैसा लग रहा है? मीठा। मीठा लग रहा है। देखो, इनको शुगर है तभी ये नहीं बता पा रही है, तभी तो ये बहुत कमजोर हो जा रही है। देखिए, ये देखो शुगर है इनको की। उधर खड़े हो जाओ, क्या है पता है ये? चीनी का। हाँ?
हाँ चीनी है, चीनी से देखो मैंने शुगर पता कर दिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? दिल्ली। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। दमदम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। अच्छा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है? केम्पे गौड़ा। अच्छा वास्को डिगामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? गोवा। छात्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? महाराष्ट्र। गया हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बिहार। ये बताओ जब तुम लोग का तबीयत ठीक है तो क्यों आए हमसे दवा लेने? तुम्हारे वजह से हमें झोला छाप बनना पड़ा। हम लोग तो आपको टेस्ट करने आए थे कि? अच्छा हमें टेस्ट करने आए थे? हाँ। मान गए तुम लोग तेज हो पढ़ने में। अच्छा तुमने सापसी का काम किया है और हम मान गए कि हम झोला छाप डॉक्टर हैं। ठीक है तो जाइए आप लोग अब, और हम भी अपना दुकान बंद करते हैं, हमें जाना है कहीं शादी में, और अब तो लेट हो रहा है, दैजा वैजा करना है, न्योते में जाना है भाई। ठीक है चलो फिर कभी मिलते हैं। ठीक है ओके फिर मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर। ओके बाय बाय। नमस्ते प्रणाम गाइस, देखिए इन बच्चों को हमने कैसे पढ़ाया है, और ये जो तरीका था इसी तरीके से हमारा, जानते हैं आप लोग वीडियो बनता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ाई भी रहता है ताकि बच्चे पढ़ाई भी कर सके और एक साथ साथ में वीडियो बन सके, आप लोग भी देख सके और सपोर्ट कर सके एक बच्चे के लिए। देखिए शिवांश ने और शिवम और दिव्यांशी आज तीनों लोग मिल के बताए हैं, बस एक बच्ची नहीं बता पाई क्योंकि वो खेलती ज़्यादा है, थोड़ा पढ़ाई में उसका मन कम लगता है। हमारा कोशिश रहता है कि वो भी पढ़े, पर जितना कोशिश हम कर सकते करते हैं, और इसी तरह आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए और कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, बच्चा आगे बढ़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।